रिप्लेसमेंट फॉर्मेट पता है क्या होता था? सबसे पहले लिखते थे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, माइनस क्या करते थे सेल ऑफ ओल्ड मशीन, अगर टैक्स होगा तो टैक्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद, फिर करते थे इंक्रीमेंटल सीएफएटी, और फिर होता था इंक्रीमेंटल टर्मिनल, बस खत्म इतना ही। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब सबकी सब एग्जाम के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बड़े बड़े क्वेश्चन रह गए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते, तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें तो आपको दिखाई नहीं देगी बुक में, वो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। कभी कभी ऐसा होगा कि यार आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो देखा MNP लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग इट्स एग्जिस्टिंग मशीन बाय न्यू मशीन विच वुड कॉस्ट ₹60 लाख। कौन से मशीन का कॉस्ट बता रहा है, कौन सी मशीन? हाँ मैं बता रहा हूं ना, कई चीजें ऐसा लगेगा यार बुक में तो है ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना? 60 लाख। ठीक, द कंपनीज करंट प्रोडक्शन, अभी कितने का प्रोडक्शन हो रहा है? 80,000 यूनिट्स। कौन सी मशीन से? हाँ एंड एक्सपेक्टेड है कि जो 80,000 यूनिट्स है वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 लाख यूनिट्स। इफ द न्यू मशीन इज बॉट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड रिमेन अनचेंज, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रहेगा? 200। तो सेल्स में कोई चेंज होगा कि नहीं? हाँ, पहले 80,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करके बेच रहे थे, अब 1 लाख, तो सेल्स में तो चेंज होगा। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बोथ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू मशीन। 80,000 यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स, क्या क्या लग रहा है? पहले ₹25 किस चीज का? मटेरियल, मटेरियल समझते हो ना सब लोग, भाई बोला भावनाओं को समझा। वेजेस ठीक है, सुपरविजन ये भी समझते हो, रिपेयर ये भी खर्चा है, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन हम ये वाला नहीं लेंगे, डेप्रिसिएशन हम अपने हिसाब से निकालते। इसने जो निकाला पता नहीं कैसे निकाला होगा, पर हमको जो टैक्स के पर्पस से है वो वाला डेप्रिसिएशन देखना है। इसके अलावा कोई अगर कॉस्ट में एक्सपर्ट है तो मुझे बता दो एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स क्या होते हैं, एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। मुझे जवाब चाहिए, ठीक है, मैं कुछ पूछ नहीं रहा। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 4 डिवीजन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और इन सबको अभी सीए जो है वो पूरा अकाउंटिंग वो खुद ही देख लेता है, और सीए को करीब करीब 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। ये जो है इस पे अभी काम नहीं हो रहा है, इन तीनों पे काम हो रहा है, तो क्या एलोकेट कर दिया जाएगा खर्चा? यस, ये इस डिपार्टमेंट में अभी ये खाली है, ये प्रीमाइसेस खाली है, ये वाला पार्ट खाली है, कितना कितना एलोकेट होगा? 1 लाख रुपए एलोकेट करना है, तो बोलो कितना कितना एलोकेट होगा? करीब करीब 33,000 और 33,000 के आसपास इस पे एलोकेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, अभी काम ही नहीं चल रहा, ठीक। अब सुनो, अभी सुनोगे ध्यान से, अब इस पे भी काम चालू हो सर, किस बात का क्या किया जा रहा है इस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां का भी अकाउंटिंग यही वाला सीए देखेगा, सुनोगे भाई, सुनोगे।
क्या सीए की सैलरी बढ़ा दी जाएगी? नहीं, वो तो उतनी ही भाई काम तो उतना ही करना है आपको, थोड़ा सा ये वाला भी काम अब करना है, बस पहले भी बात हो चुकी थी, तो मैंने पढ़ाने का काम चालू किया इस प्रेमाइसिस। और सर पढ़ाने से कितने बच्चे हैं, मान लो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे से मुझे ऐसा लग रहा है कि 50,000 रुपये मिल जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो दिक्कत नहीं। 10 बच्चों से मुझे कितना रुपए मिल रहा है? 50। ओके, अब सुनो, वेरिएबल कॉस्ट, सीए की सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आ रहा है 30,000। ऐसा कितना आएगा? 50। बुक का खर्चा कितना? 30। तो बोलो अभी भी कितना बच रहा है मेरे पास? बोलो मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? यस। कितने का फायदा है? 20,000 का। लेकिन एक खर्चा माइनस करने का है, कौन सा? सीए का कितना रुपए? 25,000। और जैसे ही मैं ये माइनस करूंगा तो बोलो क्या जाएगा? लॉस। पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अब बताओ मेरे सीए वाले बच्चे, बहुत दिमाग चलाते हो, यहां चलाओ। और अगर नहीं पढ़ाता हूं तो सीए वाला कहेगा लो आपका 25,000 रख लो, ऐसा बोलेगा क्या? हमको नहीं चाहिए क्योंकि आपका तो काम ही नहीं हो रहा है यहाँ, ऐसा बोलेगा? हूं यहां सुनो, बाकी डिपार्टमेंट में जो चल रहा था वो चल रहा है, यहां डिपार्टमेंट, हाँ सब जगह, यहां इस डिपार्टमेंट में अभी काम नहीं चल रहा था। और आप सीए लोग हो और मैं आपसे डिसीजन मांग रहा हूं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो अगर मैं इस डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूं तो 50,000 रुपया आएगा और खर्च हो जाएगा 30,000 रुपए, तो उस हिसाब से बच कितना रहा है? 20। फिर आप ही ने एडवाइस दिया कि ओहो ये 25 भी तो माइनस करना चाहिए, एलोकेट हो रहा है तो माइनस करना चाहिए, और अगर माइनस करता हूं तो फिर तो नहीं पढ़ाना चाहिए। अच्छा दूसरे शब्दों में पूछता हूँ, बिल्कुल सही बोला, दूसरे शब्दों में, ये बिल्डिंग अभी अच्छा खासा, मैं सोच रहा हूँ यार चलो अभी इनकी साइड में किसी कोई रहता हो उनकी प्रेमाइसेस है, बोले जो पढ़ाना और कमीशन जो है आपको कमीशन मिल जाएगा, आपकी जो भी फीस है वो लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुन, अब मेरे मन में आया कि नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा, मैंने सोचा मैं पढ़ाता हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ तो रेंट कितना? तो रेंट लग गया करीब करीब 50,000 रुपये मुझे रेंट देना पड़ा इसका। और वो भी रेंट कब देना पड़ा? आज ही देना पड़ा, क्योंकि इतने सारे तो बच्चे आ रहे हैं, पैसा वसूल हो जाएगा। अगले दिन आधे बच्चे बचे, मन का नहीं होता है, अगले दिन एक ही बच्चा बचा, उसके अगले दिन सब गायब। मैंने कुछ दिन देखा, 8-10 दिन देखा, 15 दिन देखा, कोई नहीं आने वाला, और मेरे पास कोई उपाय भी नहीं किस रूम का कोई यूज किया जाए। ठीक, कितना रुपया जा चुका है? 50,000 जा चुका है। ठीक, क्या वो लोग वापस कर देंगे रेंट? नहीं, बोले पढ़ाना है पढ़ाओ। अब एक दोस्त घूम रहा था, बोलते यार मेरा पढ़ाने का दिल कर रहा है, मैंने कहा अच्छा मिला, मैंने कहा मेरे यहाँ पढ़ाओ ना यार, बोले हाँ मेरे पास प्रेमाइसिस नहीं है, मैंने कहा मेरे यहाँ पढ़ा दो, बोले मैं मुझे रेंट दे देना, दिक्कत क्या है? बोले 10,000 रुपये दूंगा। बोलो तैयार हो कि नहीं? लिया कितने में था? 50 में। और सामने वाला कितना बोल रहा है? 10,000। क्या मुझे ये रूम उसको रेंट पे दे देना चाहिए? प्रॉफिट के लॉस? लॉस नहीं, प्रॉफिट है 10,000 का। मतलब नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो। बस मैं यहां आपसे ये कह रहा हूं, अगर 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 मैं नहीं करता, आप बोल रहे हो कि बच्चों को मत पढ़ाओ, सर नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ाता तो क्या 25,000 रुपये बच जाएगा मेरा? ये वाला ये वाला ये वाला ये तो है ही नहीं है, ये तो एलोकेट हुआ है, ये तो ऐसे भी जाना था वैसे भी जाना, जाना ही जाना है ना। इट मीन्स एलोकेटेड जो ओवरहेड्स होते हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आते, वो हम खर्च मानते ही नहीं उसको, सारी कहानी है। अगर मैं देखूं तो बोलो मुझे पढ़ाने से कितने का फायदा है, दिख रहा है कितने का फायदा है? 20,000। ये 25,000 मेरे काम का नहीं है, डिसीजन मेकिंग में काम का नहीं है, अकाउंटिंग वाले अपना अकाउंटिंग करे, कॉस्ट वाले अपना कॉस्टिंग करे, हमारे काम की चीज है डिसीजन देना। सर कहानी खत्म क्या? यस, तो सीधी सी बात है, एलोकेटेड ओवरहेड मैं ऐसे भी नहीं लूंगा वैसे भी नहीं। डेप्रिसिएशन लेंगे कि नहीं लेंगे?
नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, हम अलग से लेंगे। तो उस हिसाब से बताओ कि पुरानी मशीन से एक प्रोडक्ट बनाने का कितना कॉस्ट आता था। कुछ बच्चे इसको ऐड कर रहे हैं, कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसमें से दोनों माइनस कर, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी एक ही तो बात है। ओल्ड मशीन से एक यूनिट बनाने पे कितना कॉस्ट लगता है, कितना? 173। और न्यू मशीन से एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगता है? 148। तो उस हिसाब से क्या न्यू मशीन खरीद लेनी चाहिए? यस, कॉस्ट कम लग और सेल्स भी बढ़ रहा है। सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पर सेल्स तो बढ़ा, ठीक है। अब आगे लिखा, ये किसके विषय में बात हो रही थी? न्यू मशीन 60 लाख की है, 80,000 यूनिट्स पुरानी मशीन से बन रहा था, नई मशीन से 1,00,000 यूनिट्स बना। अब आगे लिखा, द एग्जिस्टिंग मशीन हैज एन अकाउंटिंग बुक वैल्यू 1,00,000। अकाउंटिंग बुक वैल्यू मतलब अकाउंट्स के हिसाब से, अंडरलाइन करूं, कहां करोगे, कहां करोगे, यही तो, इसलिए तो अंडरलाइन करने के लिए बोला। इट मींस क्वेश्चन यही है बच्ची, ये वाला पैराग्राफ गायब है, ठीक। हाँ फोटो ले लो, फोटो ले। अगर मैं अंडरलाइन करने के लिए नहीं बोलता ना, यहां तक पढ़ लेते आप और पता ही लगता क्या पढ़ा है, उड़ जाता है। तो सर पिछले बैच में क्या हुआ था, पिछले बैच में भी हम सीधा बुक से पढ़ रहे थे और देखिए यार ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया यार, पता नहीं क्या इतना पैराग्राफ गायब था, ठीक है। चलो पढ़े, अभी यहीं से पढ़ दो, बाकी मैं आपको, आप कहीं लिख लेना बुक में, काम काम की चीज लिख लेना, अगर इसमें से काम काम की चीज लिख सकते हो बुक में ये कॉपी में, तो वो लिख लेते। द एग्जिस्टिंग मशीन हैज एन अकाउंटिंग बुक वैल्यू कितना है? 1,00,000। एंड इट हैज बीन फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। इट मींस मुझे बस ये बता दो कि ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 0। क्या अकाउंटिंग बुक वैल्यू हमारे काम की चीज है? नहीं। इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 years। लाइफ कितनी है मशीन की? 5। आगे लिखा है, द सप्लायर ऑफ न्यू मशीन, जिससे हम न्यू मशीन खरीदते हैं, हैज ऑफर टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर 2,50,000। क्या कहना चाहता है? न्यू मशीन कितने की आ रही है? 60,00,000 की। एक्सचेंज ऑफर सुना है क्या? वो कह रहा है यार 60,00,000 की मशीन ले जाइए, पर आप ओल्ड मशीन चाहो तो दे सकते हो, और हम कितने में खरीदने को तैयार है? 2,50,000, ठीक, समझ रहे हो ना? एक्सचेंज ऑफर में जाओगे तो 2,50,000 रुपए की मशीन, मतलब मैं कहता हूं ओल्ड मशीन आज कितने की बिक सकती है? 2,50,000। हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन टुडे 1,50,000। इसका मतलब मशीन को कहां बेचना है, मार्केट में बेचना है कि सप्लायर को देना, मतलब ये 1,50,000 कम का नहीं है ना? अगर ऐसा होता 3,00,000 होता। हाँ बस ये समझने की कोशिश, अपॉर्चुनिटी मतलब जो हमारे लिए फायदे की चीज है। तो अगर देखूं करंट मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन हमारे काम की मिल गई और कितना मिल गया? 2,50,000। तो मैं प्योर बुक की लैंग्वेज पे सर इनका कहना है कि मार्केट प्राइस तो 1,50,000 है, कैसे लिख सकते? हाँ हाँ बस आगे लिखा, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 35,000 आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद कितने में बेचा जा सकता है? कौन सी मशीन? दोनों में से कोई एक, 100%। ओल्ड न्यू की बात तो नीचे लिखी है यार, न्यू मशीन कितने साल चलेगी? 5 साल। सर्विस कितना है? 2,50,000। एट द एंड ऑफ इस इकोनॉमिक लाइफ और इनकम टैक्स का रेट दिया है 40%।
और डेप्रिसिएशन इन चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर इनकम टैक्स पर्पस, फर्दर एज्यूम दैट बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स वाला कोई है क्या? छोड़ो ना सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट लेना है? 15%। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू कितनी है आज? आज ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू कितनी है टैक्स के हिसाब से? ओल्ड मशीन, यहां देख लो अच्छे से, ओल्ड मशीन की आज बुक वैल्यू कितनी है? क्या शब्द लिखे? फुली डेप्रिसिएशन, ठीक। अकाउंटिंग बुक वैल्यू हमारे काम का नहीं है। और ओल्ड मशीन आज कितने की बिकेगी? 2.5 लाख। कैपिटल गेन टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं, एक्शन से क्या मतलब यार भाई, मशीन आपकी कितने की जा रही है? 2.5 लाख। हाँ, 2.5 लाख रुपए सेल्स कंसिडरेशन में तो बोल रहा हूँ, बुक वैल्यू जीरो, तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं है। ये प्रॉब्लम है आप लोगों के। क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? और क्वेश्चन है? $2,50,000 माइनस बुक वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो कैपिटल गेन कितना जाएगा? 2,50,000। और उस पर इनकम टैक्स कितना जाएगा? 40%। तो 2,50,000 का 40% कितना जाएगा? 1,00,000। तो 2.5 लाख माइनस 1,00,000 कितना जाएगा? हाँ, कैपिटल गेन टैक्स काटने के बाद कितना आएगा? 1,50,000। ठीक ठीक। तो यार इसको स्टार्ट कहाँ से करें ये बताओ मुझे। हमको ये पूछ रहा, अच्छा करना क्या है? पहले तो रिप्लेसमेंट पूछ रहा है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करे या नहीं करे। और दूसरा आपका फेवरेट पूछ रहा है, IRR। बस इतना ही तो है। पहले NPV निकालें, NPV के लिए CFAT लगेगा, तो चलो CFAT पहले निकालें। CFAT हर साल का अलग अलग आएगा कि एक जैसा आएगा? इंक्रीमेंटल CFAT निकालना है हमको, इंक्रीमेंटल एक जैसे ही आएगा ना। डेप्रिसिएशन देखो, जब भी ये सोचना है ना, ये से अलग अलग तो खर्चे दिया नहीं है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा? SLM है, तो एक जैसे ही है। तो चलो काम करते, कैलकुलेशन ऑफ CFAT ICAI का प्रेजेंटेशन में करवा रहा हूं, ठीक, वो जरूरी है। हाँ, यहाँ लिखा नहीं हूं कि मैंने, हाँ सही बोल रहे, हाँ जो पहले आता वो बना लो भाई। वर्किंग नोट नंबर 1। देखो यार, दो तरीके थे, या तो हम, देखो मेरी बात समझना कि कैसे काम हो रहा, या तो हम डिफरेंस लिख दे, या तो इंक्रीज इन सेल्स, या तो एग्जिस्टिंग मशीन और न्यू मशीन अलग अलग करें। हमने दो तरीके से काम किया इस क्वेश्चन, या तो अलग अलग, या तो नेट करके। कैसे करना है नेट करके? वो ज्यादा इजी पड़ता है। ICAI कैसे किया होगा वो देखो, वो क्या करता है, वो करता है अलग अलग और डिफरेंस इधर लिख दे। तो वैसे ही करते हैं, ज्यादा अच्छा सर। मतलब दो कलर, हाँ तो अब ये वक्त आ गया। मतलब इधर लिखता हुआ डिफरेंस, मतलब वो अल्टीमेटली बना ये ही रहा है, पर यहाँ आया कहां से उसके लिए एक कंपैरिजन। हाँ, एग्जिस्टिंग
न्यू, और इंक्रीमेंटल भी लिख सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिफरेंस। चलो जी, तो सबसे पहले क्या लिखा जाए, सेल्फ। एग्जिस्टिंग मशीन में कितना यूनिट्स बेचा जा रहा था, 80,000 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस कितना है, 200, 80,000 × 200 1,60,00,000। और न्यू मशीन में कितना यूनिट्स, 1,00,000 × 200, तो ये आ गया 2,00,000। तो एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट हो रहा है यार, कितना रुपया, 40,00,000। कॉस्ट कितना यूनिट्स, सब जोड़ के बोलना कहां से कहां तक, वो आपको पता है। अच्छा, 173, और 173 कहां से आया वो आप संभाल लेना। हाँ बिल्कुल, अब कर, हाँ लेकिन उसमें मुझे इंडिविजुअल करना होता, मैंने यहाँ एक साथ कर दिया। हाँ तो बस इतना ही तो लग रहा, आगे यूनिट्स लगे गए, इसके बाद तो काम ही खत्म हो गया ना यार। कितना आ गया, 1,38,40,000। एक लाख इंटू कॉस्ट क्या था यार, 1,48,000। एक 1,48,00,000। तो सेल्स कितना आ रहा, डिफरेंस 1,60,000। हम वैसे न्यू मशीन खरीद क्यों रहे, वजह क्या है, मतलब क्या फायदा क्या दिख रहा था उसमें, सेल्स सेलिंग प्राइस तो वही है, कॉस्ट कम हो रहा है, तो ये भी फायदा है, ये भी फायदा है। 40,00,000 तो फायदा है ही है, और साथ में क्या फायदा है, 9,60,000। तो टोटल कितना फायदा है, 49,00,000। हमें एक मिनट का टाइम दिया ना, मैं तो सुनना चाहता हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या ये फायदा है कि एक्सपेंसेस है, हाँ यहां से देखो ना भाई, यहां कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 1,38,00,000, और यहाँ 1,00,00,000, तो ये एक्सपेंसेस बढ़ गए आपके, बच कहाँ गए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपको सीधी सी बात है, मैं टोटल में पूछ रहा हूँ, तो टोटल में देखो आपका सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, टोटल में देखो आपके खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े। अगर ये 80,000 ही यूनिट्स होता तो फिर यहाँ जो आता मैं कहता चलो यार फायदा हो गया, ये 80,000 पे, ये 1,00,000 पे, ठीक सर अभी भी मजा नहीं, डिफरेंस निकालते तब मजा आएगा, ठीक है डिफरेंस निकालो। और कोई खर्चे हैं क्या, डेप्रिसिएशन इसके बाद, तो इसको नाम दे देते CFBT। एक 1,60,00,000 माइनस 1,38,40,000। किस लाख 8,000। तो बोलो आपका प्रॉफिट तो बढ़ गया यार, कितने से बढ़ा, 30,00,000। सिंपल सी बात है, यही आना था वैसे भी, डिफरेंस निकालोगे तो वही तो है, माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन।
ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना, 5 साल चलने वाली 1 लाख रुपए है शायद बुक वैल्यू है सब। यस कॉमन सेंस, 5 साल ही ना लाइफ तो। जीरो ना यार डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्ट टैक्स पर्पस के लिए बुक वैल्यू जीरो है तो जीरो। अच्छा न्यू मशीन की बात करते हैं, इसमें तो निकलेगा न्यू मशीन थी कितने की, 60 लाख। यहाँ निकाल दूं कि डेप्रिसिएशन, हाँ सर वैसे ऐसे नहीं निकालना चाहिए, इसको अच्छे से दिखाना चाहिए। यहाँ 60 लाख में से सैलवेज माइनस होगा कि नहीं होगा, आप देखो। अच्छा ये सैलवेज माइनस होगा कि नहीं होगा, एंटायर कॉस्ट में भी डेप्रिशिएटेड ऐसा तो नहीं लिखा, होगा होगा है ना, तो 2,50,000 क्या होगा माइनस पास, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ गया 11,50,000। इधर भी कितना जाएगा 11,00,000, तो अब जो आया उसका नाम क्या रहा, पीबीटी इक्कीस लाख 60,000 38,50,000 16,90,000 इसने कहा मेरा भी तो मुझे बताया कौन, 40,50,000 18,90,000 टैक्स का रेट क्या है चेक करना, तो सीधा आ गया हमारा सी एफ एटी को 1 ले लिया, इस 60,000 माइनस 8,60,000 12,90,000 35,80,000 22,80,000 4,000 अब एनपीवी निकाल सकते हो, अब लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, टेबल याद है क्या, ठंड के कारण चेंज हो गया ऐसा बोल रहे
एक्टर कितना है? सबसे पहले लिखा जाता है इंक्रीमेंटल कैश आउट, इसमें आएगा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। कब लगेगा पैसा? आज वन न्यू मशीन कितने की है? 60 लाख और 60 माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन, और किसी ने मुझे बताया था कैपिटल गेन टैक्स आने वाला है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा। आपको पहले याद दिलाना चाहिए था, मेरी आदत है कि आती जाता मैं वर्किंग, तो वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। सर कितनी जगह लगेगी? और अगर ज्यादा लगेगी तो मैं उसको ऐसे ऊपर कर लूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं आपको। इतनी कंजूसी यार, दूसरा पेज ले सकते हैं सर। सेल्स कंसिडरेशन अगर हम मशीन को बेचे आज तो कितने में बिकेगी? कौन सी मशीन? माइनस बुक वैल्यू कितना है? 0, तो 2.5 लाख हो गया कैपिटल गेन। टैक्स का रेट कितना है जी? 40%, तो ये हो गया 1 लाख। तो टर्मिनल वैल्यू ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1 - 2 कितना जाएगा? 1.5 लाख। तो भी 50,000 नहीं आ रहा क्या? इसलिए ना डेली क्लास होनी चाहिए। हो गया ये वर्किंग 0, 1, 1,50,000 माइनस में आएगा, 1,50,000 माइनस। तो ये आ गया कितना? 8,50,000 टोटल ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस, और हम ऑलरेडी निकाले हुए इंक्रीमेंटल CFAT कितना साल तक आएगा? 1 to 5 फैक्टर बोलोगे? थ्री पॉइंट थ्री फाइव टू
और एक और सी एफ ए डी कितना आया था यार हमारा 22,84,000 साथ में यहाँ और एक शब्द आएगा इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू कौन सी ईयर में फिफ्थ और फिफ्थ ईयर का फैक्टर दिया है क्या 0.4972 क्वेश्चन नंबर 43 है कि है चलो मैं तो आंसर लिख कर लाया हूँ क्योंकि आपके सजेस्टेड हैं आंसर है 1912866 अच्छा बुक का है कि बुक में आंसर लिखा है क्या फिर कोई दिक्कत नहीं तो ये हो गया अभी कोई है जो मुझे ये बता दे कि इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू कितना है 1.5 लाख अभी निकाला है ना अच्छा ये निकाला हे भगवान अच्छा ये ओल्ड मशीन का टर्मिनल वैल्यू सुनो भाई इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूं टर्मिनल वैल्यू ऑफ न्यू माइनस टर्मिनल वैल्यू ऑफ ओल्ड अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो ये बता दो ये ओल्ड का है कि न्यू का ओल्ड का तो एक क्या ऑलरेडी निकला हुआ है हमारे पास हाँ पक्का वो वाली मशीन जो है ये बेचा है ना अपने यार दिख तो रहा है ये कब बेचा है आज तो ये टाइम पास के लिए पांचवे साल का फैक्टर क्यों लिखे फिर जो ओल्ड बेचा वो तो इधर बेच दिया तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये 1,50,000 उठाकर ये इधर लिख दो मैं कह रहा हूं यहां ओल्ड मशीन का आएगा कौन से ईयर में बेचने का आएगा समझने की कोशिश करो आप बोल रहे हो कि ये 1.5 लाख यही लिख दो सर अच्छा आप क्या बोल रहे हैं अच्छा क्या बोल रहे हो मुझे यहां क्या लिखना है मुझे इतना बताओ यहां क्या लिखना है मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है टर्मिनल वैल्यू मैंने लिख दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं टर्मिनल वैल्यू लिखा भी तो कोई दिक्कत नहीं है पर मुझे बस इतना बता दो ये मशीन कौन सी बेची गई है ओल्ड कब बेची गई है आज और मैं यहां जो निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं अगर हम ओल्ड मशीन को ही चलाते 5 साल बाद तो 5 साल बाद कितने की बिकती हम वहां सेल ऑफ मशीन ऐसा करके लिखते थे अभी टर्मिनल वैल्यू लिखे मैंने कहा कोई अंतर नहीं है अब मुझे बताओ ओल्ड मशीन को 5 साल तक चलाता अच्छा क्वेश्चन नहीं है आपके पास यार दिक्कत नहीं है ये देखो यहां क्या लिखा है 35,000 ये कौन सी मशीन की टर्मिनल वैल्यू ओल्ड कब 5 साल पर और ये 2.5 लाख 1.5 लाख जो आया वो कब का है वो भी ओल्ड मशीन का लेकिन कब आज दोनों बातों में अंतर अच्छा न्यू मशीन का कितने की बिकेगी 5 साल बाद टैक्स लगेगा कि नहीं एक बड़ा सिक्का मतलब नहीं लगेगा कि लगेगा नहीं लगेगा आप जो बोलो मैं लिखने को तैयार हूँ अगर बाय चांस लगता है अगर बाय चांस लग जाता तो उनको मैं छोड़ना सिंपल सी बात बोलो कितना 2.5 लाख किसी को कोई शक है क्या अगर शक है तो निकाल लो अगर शक है तो निकाल लो
ऐसा बोल रहे हैं। पहले इसका इसका देख ले, पहली वाली मशीन का मतलब इस मशीन की बात कर, 2.5 लाख पर। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू, लिख ही लेते ना यार। पहले न्यू मशीन का सेल्स कंसिडरेशन 2.5 लाख माइनस बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकलते है पता है ना यार, मशीन थी कितने की 60 लाख, और एक साल का न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था 11,50,000, और टोटल इस कॉस्ट में से 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बचा बुक वैल्यू, तो ये तो आया 2.5 लाख। कैपिटल गेन कितना हो गया 0, तो टैक्स भी क्या हो गया 0, तो टर्मिनल वैल्यू भी क्या हो गया 2.5 लाख। सही तो बोला था आपने 2.5 लाख। तो इसको नहीं भी बनाते वर्किंग नोट तो भी हो जाता। एक सेकंड, पहले सुनो ध्यान से, पहले इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा। 7,656,425। और सुनो बच्चों, सुनो बस, मुझे तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए। 2.5 लाख में से 35,000 माइनस किया, उसको कर दो 0.4972 से मल्टीप्लाई, प्लस ये कर दो 7,656,425, और माइनस 58,50,000 कर, और आंसर क्या आया है, इट मींस इस पे टैक्स आएगा कितने का, एक बार चेक करो कितने का डिफरेंस, 1,912,866 है आंसर, 4,57। हाँ तो वो कोई इश्यू नहीं आता, वो हो सकता है कि उसने, हाँ टैक्स कंसीडर करोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा, 100% आना चाहिए। तो बात समझना भाई, इस पे तो टैक्स नहीं आ रहा, ये आपको पता है, इस पे टैक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 100% आना चाहिए, क्योंकि उसका बुक वैल्यू क्या है, पहले भी जीरो था, डेप्रिसिएशन भी जीरो था, तो आगे भी जीरो रहेगा, तो 35,000 माइनस जीरो, तो कैपिटल गेन कितना हो गया 35,000, उसमें टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। हाँ डिफरेंस आ रहा है ना, नहीं वो कंसीडर नहीं, कंसीडर नहीं कर रहा ना, इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा, लॉजिकली करना चाहिए। हाँ रिप्लेस, अभी जो भी क्वेश्चन किया कंसीडर, हमें कैसे करना है, हमें ICAI के हिसाब से चलना है इस क्वेश्चन में, कि हमें लॉजिक के साथ चलना है। हंड्रेड परसेंट आपको करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये करना चाहिए। ICAI ने हो सकता है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक किया हो एक आध क्वेश्चन में, पर आगे अगर क्वेश्चन पे जाओगे ना तो वहां सब मैं किया हूँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है सजेस्टेड में, हम कर
हाँ हमने तो लिखा नहीं है वैसे आंसर। अच्छा वो बुक का आंसर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ 35,000 की जगह मैं क्या लिखूंगा सुनोगे ध्यान से, जैसे न्यू मशीन का किया ना वैसी मैं किसका करने जा रहा हूँ, ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन का भी साइड में कर लेते हैं। ओल्ड मशीन का स्क्रैप दिया है कितना दिया, 35,000, ठीक है, पर हम भी जानते हैं ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि पहले भी जीरो ही था, तो कैपिटल गेन कितना हो गया 35,000, और उस पर टैक्स कितना लग जाएगा यार, 40%, 14,000, लाखों की आदत हो गई है तो 35,000 माइनस 14 21,000। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहां 35,000 की जगह हमें लिखना चाहिए 21,000। आंसर में वेरिएशन आएगा तो आ जाने दो, लॉजिकली हम चल रहे इसको, तो 2,50,000 माइनस 21,000 तो ये आ गया 2,29,000। वन 3,859। वन 1,1,385 ये कितना आ रहा है टोटल, 777,0,284, ये आ गया टोटल ऑफ बी, तो बी माइनस ए एन पी भी आ गया कितना, 1,1,920,284, तो एन पी भी पॉजिटिव है, तो अगर एन पी भी के हिसाब से बोलो तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी क्या बचा आपका IRR, सात हजार के आसपास। अच्छा सुनो, IRR याद है आप लोगों को, तो अब ये बताओ कि IRR निकालना है हमको, ये डिस्काउंटिंग 15% पे किया तो NPV पॉजिटिव है, यही से पकड़ते हैं, अगला रेट कौन सा लेके 20, हाँ वाओ कितना है अगर 35, सुनो सुनो 35 ले रहे हैं और नेगेटिव आ गए तो फिर नेगेटिव आ गया, फिर क्योंकि आपको आंसर पता ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेना थोड़ी ना यार हमको, कौन सा लेना, हमें तो बस कैलकुलेटर चलाना है, कैलकुलेटर चला सकते हो ना यार एक बार, एक बार, एक बार 15 से 20 शायद 20 पे आ जाए, इसलिए आंसर नहीं होना चाहिए 20 पे नहीं आएगा, 25 पे, 25 क्या है IRR, 25 और 30, चलो 25% में निकालते हैं NPV, ये तो मैं थर्टी 35% लिया, नेगेटिव आ गए हैं, तो एक्चुअल में IRR आएगा 26.75% और आपका आंसर आएगा 24.25%, इतना अंतर आ जाएगा, गैप ज्यादा रहेगा तो जो आंसर होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, इसलिए कोशिश ये करना, उसमें गैप 5-5 का है ना, तो आपके जो दो रेट होना चाहिए वो 5 के गैप में होना चाहिए।
आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई 25 से निकाल ले, कोई 30 से निकाल ले, कोई 35 से निकाल ले, फिर पता लगा ले जल्दी जल्दी। सुनो अब कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, 25 से। कैलकुलेशन जब ये वीडियो YouTube में डलेगा तो बच्चे बोलेंगे कि सर रेट कैसे पता लगा लिए 25। भगवान ही जानता। चलो और उनको कैसे बताऊं कि बच्चों ने बुक में आंसर देखकर बता रहा है बच्चों ने। डिस्काउंटिंग रेट कितना ले रहे हैं, 25। क्या इसके लिए भी प्यारी सी टेबल बनाया जाए, आपको ऐसा लग रहा है? गुड। डबल 2 8 4 0 0 2 8 4 0 0 into plus 229 0 229 minus 58,50,000 फैक्टर बोलोगे? टू पॉइंट सिक्स एट नाइन थ्री और वो वाला पॉइंट थ्री टू सेवन और एक्स एन पी विजय थ्री सिक्स सेवन फोर थ्री सिक्स सेवन फोर जीरो फाइव विश्वास ही नहीं होगा। हम एक घंटे से क्वेश्चन बना रहे हैं यार, बताओ हो गया कोर्स तो फिर 30% पे भी पॉजिटिव है। थर्टी परसेंट का फैक्टर क्या है? फोर थ्री फाइव फाइव पॉइंट टू सिक्स नाइन जी। टू टू फाइव सिक्स हो गया। भाई कैश फ्लो में अंतर है ना, तो आईआरआर में भी अंतर आएगा।
नहीं लगता कि मैं अकेला ही क्वेश्चन बना रहा हूं। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 28 पॉइंट। तो पूरा 1 घंटा हुआ और 1 घंटे से हम 1 क्वेश्चन बना रहे हैं। सब बड़े बड़े क्वेश्चन। पंद्रह मिनट यहां तो हम लोग आपस सीरियसली इसमें टाइम भी उतना ही लगता, 15-18 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, पर हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे आउट ऑफ सिलेबस। हाँ जी बहुत सारे, पर तो प्रैक्टिस जरूरी है। अब तो न्यू सिलेबस जो आ गया है सीए फाइनल में, अब कंफर्म हो गया कि कैपिटल वेस्टिंग है। अभी तक तो थोड़ा डाउटफुल चल रहा था, अब कंफर्म है कि आपको कैपिटल वेस्टिंग वापस यही क्वेश्चन करने हैं। तो ये मान के फील करो कि आप सीए फाइनल पढ़ रहे हो, अच्छा लगता है कि फाइनल वीकनेस। इसके अलावा नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो यही है, पहले क्या था आपको मैं बता रहा हूँ, रिप्लेसमेंट जो चल रहा है ना वो लास्ट था आपका। इसके बाद आपको कैपिटल वेस्टिंग नहीं था, इसके बाद का जो पोर्शन था रिस्क एंड अनसर्टेनिटी लिखवा रखा मैंने, इसके बाद का पोर्शन था सीए फाइनल। फिर जब नया सिलेबस आया तो पता नहीं इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा कि नहीं गलत है, आप लोगों को और पढ़ाना चाहिए, तो वो वाला उठाकर वापस डाल दिया। अब फिर उस पर ऐसा लगा नहीं गलत हो गया, फिर वो वाला उठाकर फाइनल में डाल दिया। तो बीच में कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने कैपिटल वेस्टिंग छुआ भी नहीं, ऐसे भी बच्चे, वो रिस्क वाला पार्ट इधर से भी बच गए उधर से भी बच। हाँ इधर उधर ट्रांसफर हो। इंटर पे कहाँ मैं ज्यादा फोकस, मुझे पता ही नहीं इंटर का, मैं इंटर का टीचर कहाँ हूँ, फाइनल की बात करूंगा। तैयार हो, हिम्मत दिखाते हैं और एक क्वेश्चन करते बेहतरीन वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये पूरा है पूरा 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 है। हाँ जी स्टार्ट करो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन। WX लिमिटेड मशीन has been in operation for 3 years, मतलब 3 साल हो चुका है और इसकी लाइफ अभी कितनी बाकी है? 8 साल। किसकी बात हो रही है? ओल्ड। नो सर्विस इन द एंड, थैंक गॉड ओल्ड मशीन का कोई सर्विस नहीं। करंट मार्केट कितना है? द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेस ऑफ न्यू मॉडल, ठीक है, और रिप्लेस किसको कर देंगे? एग्जिस्टिंग मशीन। अब ध्यान से मुझे बताना बेटे, बिल्कुल ध्यान से, मशीन कितने की खरीदी थी? जब खरीदी थी कॉस्ट दिया है, कितने की खरीदी थी? 3,30,000। और कितने साल चलने वाली थी? 11। कितना साल बीत चुका है? अभी भी कितना बाकी है? 8 साल। तो यार सैलरीज तो जीरो था, पहले भी जीरो था, तो
अगर SLM मेथड है डेप्रिसिएशन का, तो हर साल का डेप्रिसिएशन निकल सकता है क्या? 30,000 कितने साल का डेप्रिसिएशन निकल चुका? 1, 2, 3 बता सकते बुक वैल्यू कितना बचा? 2,00,000 30 में से डेप्रिसिएशन माइनस किया ना, 30,000 बोलो कितना बचा? 2,40 अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशीन कितने की बेच रहे हो आज? मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? कैपिटल गेन टैक्स आएगा कि नहीं, या टैक्स सेविंग्स जो भी बात कर, कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। मैं इस क्वेश्चन की, कैपिटल लॉस आएगा कि नहीं आएगा? गेन या लॉस, मैं गेन बोल रहा हूं मतलब आप लॉस समझ लीजिए, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इस पे कोई टैक्स सेविंग्स लेना है क्या? नहीं। अगर टैक्स होता तो टैक्स क्या लगता? नहीं, कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स लिखा हुआ। कहा चले तो चक्कर ही नहीं है, बुक वैल्यू निकाले क्यों जबरदस्ती टाइम पास? यहाँ न्यू मशीन है 10,00,000 की, ये कितने साल चलेगी? 8 साल। एक बात समझने की कोशिश करो यार, जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसमें ओल्ड मशीन की जो लाइफ बची रहती है, जो नया मशीन खरीदते हैं उसकी भी लाइफ उतनी ही रहती है जो बची हुई लाइफ, तो आगे अगर न्यू मशीन की लाइफ नहीं दिया रहेगा, बाई चांस कभी क्वेश्चन ICAI बना दे जहां न्यू मशीन की लाइफ ना दे, क्या करोगे? इतनी बची है उतना मान, इसका सैलवेज है क्या? 40,000। इसमें कितना यूनिट्स बना रहे थे? 30,000। इसमें कितना बना रहे हैं? 15,000। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज है कि नहीं है? तो सेल्स बढ़ेगा कि नहीं? हाँ। एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, एक साल में कितने घंटे मशीन चलेगी? 3,000 घंटे। और मटेरियल कॉस्ट 4 पर यूनिट है। लेबर कॉस्ट टोटल में बता सकते हो क्या? लेबर का एक साल का टोटल खर्चा, हाँ कैसे कर रहे हो? 3,000 × 40 ठीक है ना? जीरो में 3,000 × 40 यहां तक ठीक है। अभी सुनो, अगर ये गलती से ये ना लिखकर यूनिट लिखा रहता तो, है ना यार? यार इतना तो हमको समझता है, यही किया था इंस्टीट्यूट ने, यूनिट लिखा था यहाँ, और सजेस्टेड जो आया उसमें उसने यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया, आर से मल्टीप्लाई किया, और बोले सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हमने यहाँ आर से लिखने वाले थे पर गलती से यूनिट लिखे थे, तो प्लीज आप इसको मैनेज कर लेना, ठीक? ऐसा ऐसा ICAI ने कहा कि रॉन्ग प्रिंट हो गया था हमसे, बस यहाँ क्या लेना था आपको? आर। अब ये तो पता नहीं क्या ये, और उन्होंने प्रॉपर लिखा भी ना यार क्वेश्चन के नीचे, लिखा भी कि हमसे गलती हुई थी, नहीं सॉल्यूशन जब आया ना सजेस्टेड। हाँ अब ये पता नहीं उन लोगों के लक बच्चे। अभी सुनो, अभी तो यहाँ क्या लिखा है, भगवान ना करे सेम क्वेश्चन आए और यहाँ यूनिट लिखा है तो, है ना? इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम दिया 50,000 / 65,000। मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का? SLM है, ठीक है। टैक्स का रेट है 30% और WX लिमिटेड डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इफ, ओहो ये क्या बोल रहा है यार, WX लिमिटेड डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इफ इट यील्ड लेस देन 12%। कैश कॉस्ट, कुछ ऐसे भी खर्चे होते जो कैश में नहीं होते, वो जो कैश में वो वाले खर्चे बता, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बस बात का। अभी ये शब्द का मतलब समझा देगा कोई? WX डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट
इफ इट यील्ड लेस देन 12%। अगर हम नया मशीन तभी खरीदेंगे जब हमको कितना मिलेगा, उसको एक लाइन में बोल रहा हूँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या उसको बोल सकते हैं डिस्काउंटिंग रेट, प्यार से भी लिख सकता था। और सुनो, बोले आप इधर नहीं भी देख रहे हो ना, मत देखो, हम फैक्टर भी बता दे रहे हैं, फैक्टर भी बता दिया, फैक्टर बता दिया, बात खत्म होगी। कितना रेट है, 12%, 8 साल का फैक्टर दिया है और 8th ईयर का फैक्टर भी दिया, भाई क्यों दिया होगा, सेल्वेज के लिए, और ये आपने पढ़ा नहीं था, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। एडवाइस करना है कि मशीन को रिप्लेस करना है कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं लास्ट अटेम्प्ट में छुड़वा दिया। बच्चे कह रहे सर रिपीट क्वेश्चन है, आप इसको अभी भी आपका दिल कर रहा होगा यार ये तो बना लेंगे हम, इसमें बचा क्या, तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसे ही किया था, कर लेना घर में। और बच्चों ने कहा सर घर में क्या करना, एक जैसे पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही था, इस अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन चिपका है 10 नंबर का, पेपर आपके पास रखा ही हुआ, पीछे करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी, पहले इसको खत्म करते, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और जो बोलूंगा कि यार होमवर्क है, मतलब होमवर्क करना है, चलो इसको तो बना रहे हैं हम लोग। जो दिया है, जो दिया है ये भगवान, आवर्स को यूनिट कैसे पढ़ सकते हो, नहीं ये ICAI ने किया था, मैं उनका बता, नहीं ओवरहेड लेगे, शब्द आएगा एलोकेटेड ओवर, दोनों शब्द अलग है, हाँ फिक्स ओवरहेड होगा। एक बार बताओ फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, यूनिट्स के बढ़ने या कम बढ़ते हैं। अभी मैं कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10 बच्चों को अभी, हाँ तो बढ़ते हैं ना। अभी सुनो सुनो सुनो, यहाँ आ जाते हम, सबसे पहला काम क्या करते हैं, NPV निकालना है, तो वर्किंग नोट बनाए कि पहले टेबल बनाए, टेबल बनाते हैं। सुनो एक चीज तो लिख ही पाओगे कम से कम, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, चलो तो काम करते हैं। आपको टाइम बचेगा ना भाई, फॉर्मेट बना के बोल देंगे, आप लिख लेना है। भगवान मेरा कोर्स कैसे होगा, मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट, 12% और प्रेजेंट इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। जीरो, वन, न्यू मशीन कितने है, 10 लाख। ब्रैकेट में क्या लिखना है, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, यहाँ कुछ लिखते हैं ना, और वर्किंग नोट की जरूरत है या नहीं, नहीं लेना है तो जितना ये बिक गई तो बिक गई। जीरो, वन, हाँ इधर पेन चलना स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट में पता लगेगा।
कोल्ड लोशन कितने का बेच रहे हो? मतलब 2 लाख की बेचोगे। तो ये आ गया तो देखा जाए रिप्लेसमेंट सबसे मुश्किल टॉपिक कहलाता है कैपिटल बेस्टिंग का, पर यार चार ही लाइन लिखनी, 1 2 3 4 चार लाइन में टॉपिक खत्म होता है। इंक्रीमेंटल कैश इन वर्किंग नोट नंबर 1। वैसे ही वाला प्रेजेंटेशन होगा जो पिछले यूनिट्स थी तो कितना हो गया 75,000 और प्राइस क्या है 30,000 × 15 और 75,000 × 15 हाँ यार कुछ यूनिट्स बेसिस पे हैं और कुछ आवर्स बेसिस पे। तो पहले मटेरियल ले ले, सब अलग अलग ले लेते। हाँ अलग अलग दिखा देते सब मटेरियल। मटेरियल पर यूनिट दिया है ना, बताओ 30,000 × 4 120,000 और 75,000 × 4 3,00,000 सर आ गया 180,000। ठीक है चलो भाई उसके बाद बता दे जाओ क्या है मटेरियल लेबर। लेबर कितना है भाई 3,000 घंटे और 1 घंटा का कितना 40 120,000 यहाँ भी 40 ही है। इधर कितना
दो लाख जबकि सोचने वाला बात यहाँ था कि एग्जिस्टिंग मशीन से भी 3000 घंटे ही काम कर रहे लेबर और न्यू में भी इधर कितना रुपया ले रहे एक घंटे का और इधर तो न्यू क्यों खरीद रहा बाकी चीजों का फायदा है तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार नई मशीन से ले हो सकता है यार लेबर थोड़ा स्किल्ड लेबर आ गया होगा मेरे मशीन चलाने वाले चलो लेबर हो गया आगे चले उसके बाद क्या है भाई टोटल में दिया शायद वो कितना पंद्रह हजार और कुछ है तो जो आएगा वो आ गया अब हमारा सी एफ बी टी 1 लाख कितना पक्का 1,60,000 5,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन का क्या जीरो वो पिछले क्वेश्चन में था इस क्वेश्चन में क्या है जरा बताना हाँ उसमें सोचने वाला क्या पीस कितना है 1,20,000 कैसे निकाला जरा समझाओगे 10 लाख था मशीन माइनस स्क्रैप था 40,000 डिवाइडेड बाय 8 ये हुआ 1,20,000 तो यहाँ कितना जाएगा 90,000 तो अब जो आ गया वो आ गया पीबीटी एक लाख 30,000 4,30,000 3 लाख टैक्स भी ले लेते हैं टैक्स का रेट क्या दिया है थर्टी वर्ट तो यहाँ कितना जाएगा 39,000 1 लाख नेट टैक्स कितना आ गया 90,000 सी एफ डी आ गया वन लाख 30,000 माइनस 30 1,21,000 4,21,000 तो 2,10,000 कितना 3,00,000
आगे पहुंच गए ओके यहाँ तक हो गया नहीं नहीं आप जाइए कोई दिक्कत नहीं तीन लाख कितने साल चलेगी मशीन 1 to 8 1 to 8 फैक्टर बोलेगा कोई 12% के कितना 9 6 8 1 4 हाँ 4 0 इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स बोला तो सीधा वर्किंग की जरूरत ही नहीं है अगर हम न्यू मशीन को बेचते तो 40,000 का बिकता ठीक और ओल्ड मशीन को बेचते तो 0 कौन सी ईयर 8 कितना पैसा मिलता 40,000 फैक्टर 8वें साल का 0.40 0.404 × 40,000 16160 टोटल मारेंगे 1506 560 एनपीवी कर लेते बी माइनस 1 70 एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्स बस इसमें एनपीवी भर पूछा पिछले क्वेश्चन में आईआरओ कितना निकाला था और लिखा कि प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं नहीं लिखा लिखना तो पड़ेगा हाँ लिख दो आईआरआर में मैं सुनना चाहता देखना चाहता हूँ लिखोगे क्या पॉजिटिव आईआरआर मतलब आईआरआर आया था आपका पिछले क्वेश्चन में आईआरआर के हिसाब से डिसीजन आपने नहीं लिखा क्या होना चाहिए था डिसीजन यस कि नो यस वजह यस तो होगा मैं एग्री हूं एनपीवी पॉजिटिव तो 100% यस ही हो ना आईआरआर में पर आईआरआर में लिखना तो पड़ेगा यार कि आईआरआर हम से हम क्यों एक्सेप्ट करें मशीन क्यों रिप्लेस करें वजह आईआरआर हाँ जी हाँ बस यही तो बात है कि आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए और पिछले क्वेश्चन में जब एनपीवी निकाला तो कौन से रेट से निकाला डिस्काउंटिंग 15% और आईआरआर कितना है आपका 27% तो 28% तो आईआरआर ज्यादा है किससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इसलिए एक्सेप्ट बताओ बेसिक क्लास भूल गए इस चक्कर और अभी भी यूज करना था वो भी नहीं तब भी नहीं किया चलो आगे तो आईआरआर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईआरआर ज्यादा है किससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं नहीं अभी नहीं होगा हो गया ये क्वेश्चन कब आया था एग्जाम में जरा देखोगे एग्जाम जुलाई 2021
एक बार देखिए क्वेश्चन को। ए भगवान, चलो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक टैक्स में कॉन्सेप्ट होता था ब्लॉक ऑफ एसेट्स, क्या होता था यार वो? मतलब बहुत सारी मशीनें हैं, उसमें डेप्रिसिएशन निकालने का कुछ और ही तरीका होता था। उसमें ऐसे करते थे, ओपनिंग WDV प्लस एडिशन माइनस सेल्स, ऐसा कुछ करते। तो ICAI बोला चलो ना FMA भी मैं वो जरा देखूं कि कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे, तो वही ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया। ठीक, चलो यार इसमें टेंशन मत लेना भाई, मालूम मैं जानता हूँ आपके पेन चलना बंद हो जाएगा, अब चलेगी नहीं। एंड एग्जिस्टिंग मशीन हैज अ, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी हैज अ मशीन व्हिच हैज बीन ऑपरेशन फॉर 2 इयर्स, 2 साल हो चुका है, कितने साल बाकी हैं? 4। और रेसिडुअल वैल्यू लास्ट में है नहीं, करंट मार्केट वैल्यू कितना है? 3 लाख। कौन सी मशीन का? सब कुछ वही है, सब पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा आपको। हाँ सर, इस टाइप का थोड़ा पढ़ा पढ़ा लग रहा है। और आपको खरीदना न्यू मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन की परचेस किया था तब 6 लाख था, और न्यू मशीन 10 लाख है। इसकी लाइफ कितनी है? 6 साल, तो निकल चुकी है, तो बची कितनी है? 4। इसकी विचार सेल्विस दोनों का क्या दिया? 0। ऑपरेटिंग डेज, ओहो ये तो आप कॉस्ट में एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। एनुअल ऑपरेटिंग डेज मतलब एक साल में कितना दिन काम होता है? 300। और एक दिन में कितने घंटे काम होते हैं? 6, मतलब साल भर में 1800। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है, आउटपुट पर आर इन यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, ओहो इसने नंबर ऑफ यूनिट्स भी नहीं दिया है, निकल जाएगा। ठीक है, फिक्स ओवरहेड दिया है 1,60,000, और डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन मतलब हाँ वो मिसप्रिंट है उसको 60,000। यार मैं सोचा मेरी दिल की बात समझने लगे, आप समझ में नहीं आते, वहां भी सोच रहे यार 60 क्यों कर दी। क्वेश्चन नंबर 45। और ये सुनो, डेप्रिसिएशन 1 लाख और 2 लाख। हाँ जी, नहीं नहीं ये 2 लाख जो है, हाँ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक, ये वर्किंग कैपिटल फिक्स ओवरहेड पर है ना, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हो गया, और वर्किंग कैपिटल यहाँ 1 लाख है और यहाँ 2 लाख। हाँ जी, बस 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 इतना है। ठीक को तो इनकम टैक्स रेट है 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? W और टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। सवाल ये है कि हर साल का CFAT क्या आएगा? अलग अलग आएगा, सोचते हैं कैसे बनाएंगे। और एक शब्द और लिखा है, इट हैज सेवरल मशीन्स इन 20% ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट। और मैनेजमेंट को एडवाइस करना है कि रिप्लेस करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और फैक्टर दिया, खास बात है, थैंक यू फैक्टर देने के लिए। बची हुई है 4 साल, और आपको NPV और NPV का आंसर आ रहा 56772। बाकी कितना बड़ा आंसर कैसे हो सकता है बाद में देखेंगे। हमारे पास इसका सजेस्टेड है, सजेस्टेड है, सजेस्टेड। सबसे पहला काम कि स्टार्ट कहाँ से करें, वही वाला टेबल बना, राह अपने आप मिलेगा ना, वो वाला टेबल कैलकुलेशन ऑफ NPV।
कॉस्ट ऑफ इनकम, उसमें पता लगते जाएगा कि क्या क्या करना। डिस्काउंटिंग रेट क्या दिया है? 10%। चलो उसके लिए जो कहता दो नंबर तो मिल ही जाएगा, तो लिखते इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। जीरो यहाँ कितना? वन कितना? 10 लाख। पैसा तो 10 लाख जाएगा, कोई शिक्षक आप लोग इतना डर कर क्यों काम करते हो? मुझे जीरो हाँ भाई, ओल्ड मशीन कितने का बेचोगे आज? 3 लाख पक्का ना? हाँ 3 लाख। सुनो ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट में तो ब्लॉक जब पूरी तरह से खत्म होता है ना तभी उसका कुछ टैक्स वैक्स का चक्कर होता है। यहाँ पहली मशीन थी, ओल्ड मशीन तो है और एडिशन हो रहा है, माइनस 3 लाख होगा। ओपनिंग डब्ल्यू डीवी वगैरह कुछ होता है उसमें तो ब्लॉक खत्म ही नहीं हो रहा, तो क्यों कैपिटल गेन टैक्स है? हाँ वो लास्ट में होता है, माइनस क्या करेंगे 3 लाख का 3 लाख। कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, सीधी सी बात ये, ठीक। तो एक काम तो आपका टेंशन खत्म हो गया, अच्छा कैपिटल गेन का चक्कर ही नहीं है यार, अच्छा है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो बोलो कितना गया ये हमारा? 7 लाख। अच्छा इंक्रीमेंट कैश इनफ्लोस इंक्रीमेंट अब सोचते हैं ना यार, वही तो उसी पे तो दिमाग चला। बड़े अब यही है बस, ये एक बार संभाल लिया तो उसके बाद कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन में अपन लोग जुगाड़ लगाते हैं, एक बात तो ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ जा रही है? जब डेप्रिसिएशन आता है उसके बाद, तो डेप्रिसिएशन से पहले पहले तो 1 साल का निकालो और 4 साल का एक ही बात है,
कहना यह चाहता हूँ सीएफबीटी तक कोई दिक्कत है क्या? सीएफबीटी के बाद दिक्कत है, तो एक बार सीएफबीटी निकाल तो लेते हैं, सीएफबीटी इंक्रीमेंटल सीएफबीटी निकाल लेते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन का सोचेंगे क्या करना है। तो जो टेबल बना रहे थे वैसी टेबल बनाएंगे, पर टैक्स डेप्रिसिएशन तक नहीं, सिर्फ सीएफबीटी निकाल लेते। तो वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल सीएफएटी, नहीं अल्टीमेटली वही निकालना है हमको, लास्ट तक वही निकालना है। मेरी क्लास पिछली बैच में ख़त्म हुई क्लास, उसके बाद किसी स्टूडेंट की कॉपी रखी थी एफएम की, नाम नहीं लूँगा, और वो ठीक एक क्लास एक पेपर के एक दिन पहले आया, सर मेरी एफएम की कॉपी रह गई बोलते, मैंने कहा भाई एग्जिस्टिंग न्यू और डिफरेंस, एग्जिस्टिंग न्यू और डिफरेंस, हाँ मानना पड़ेगा कि गैसिंग आपके भाई क्वेश्चन पे आए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स, चलो देखिए कितना यूनिट्स था, कितना, ओहो यूनिट्स भी नहीं मालूम, तो यूनिट्स कितना था यही बता दो, 300 इंटू ए इंटू 30 कितना आ गया यूनिट्स, और यहाँ कितना है, कितना ही है क्या, 300 इंटू 6 इंटू 40 72, डिफरेंस नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट्स क्या डिफरेंस में, फिर भी दिल कर रहा तो लिख, अब सेल्स लिखे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दोनों में शायद बराबर है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, बस यहाँ लिख लेते हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 360,000 और 700,000 ये हो गया 360,000। सेल्स के बाद और कौन सा खर्चा दिख रहा है, डायरेक्ट मटेरियल है 2 रुपए पर यूनिट, ये कितना है 72 1,44,000 लेबर पर यूनिट दिया कि, और कितना घंटे चलने वाला है 1,800 300 इंटू 6 इंटू 20 ना 30 और इधर भी उतना ही है क्या, 300 इंटू 6 इंटू 30 54,000 डिफरेंस, और कुछ है क्या, फिक्स्ड ओवरहेड
फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख, 1,60,000, बस 40,000 सोच समझ के लिखना। और कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन सीएफबीडी तक काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसके बाद तो क्लासी और करना है। 1,82,000, 9,78,000, पक्का मैं कितना विश्वास करता हूँ पूर्वी, 4,62,000 मैंने तुम्हारे 3,10,000 अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ सीएफबीटी निकला। अब सुनो, एक काम करते हैं, हर साल का 1, 2, 3, 4 ऐसा टेबल बनेगा, ये वाला लिखते हैं इंक्रीमेंटल सीएफबीटी, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10 कि माइनस क्या है डेप्रिसिएशन, पर डेप्रिसिएशन मालूम है कौन सा वाला करेंगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में अगर आप अलग अलग भी कर सकते हो फिर दो बनाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग मशीन के हिसाब से अलग और न्यू के हिसाब से अलग, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो वो करते जो हम पहले सीखे थे, ये निकल गया ना इंक्रीमेंटल सी एफ बी टी, उसमें से माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन, ठीक है। तो आगे चल रहा है 1, 2, 3, 4 करके बनेगा, हम निकालने जा रहे हैं इंक्रीमेंटल सी एफ ए टी सी, अलग अलग करने में टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक, इंक्रीमेंटल सी एफ कर लेंगे। मेन क्वेश्चन कहाँ है हमारा, हम सीधा वर्किंग नोट से स्टार्ट किए हैं क्या, परेशानी यहाँ है, छोड़ो जब आएगा तब देखेंगे, पर परेशानी सुन लो एक होता ना वर्किंग कैपिटल, पहले वर्किंग कैपिटल कितना था ओल्ड मशीन का, 1,00,000, अभी कितना लग रहा है, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना लगा, तो यहाँ एक्स्ट्रा जो लग रहा वो भी लेना चाहिए था, पर कहीं एडजस्ट करेंगे, है ना, नहीं वो पहले ये वाला काम खत्म कर दे फिर एडजस्ट करेंगे। तो इंक्रीमेंटल सी एफ बी टी 3,10,000, 3,10,000, 3,10,000, 3,10,000, इसे माइनस किया होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड, ठीक है।
ऐसे कर। सुनो 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 सुनो, शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट इंस्टीट्यूट ने भी शॉर्टकट से किया है, पर पहले सुन लो कि क्या है लॉजिक। सबसे पहले हम अलग अलग, इसको लिखना नहीं है बस समझने के लिए, भाई एक साल दो साल तीन साल चार साल, न्यू मशीन के डेप्रिसिएशन से किसका माइनस करना है, ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन। ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन बताओ सबसे पहले, ओल्ड मशीन कितने की थी, 6 लाख रुपए की, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या था, 20%। कितना साल हो चुका है, दो साल, तीसरे साल से मुझे डेप्रिसिएशन बताना स्टार्ट करो ओल्ड मशीन का, अगर हम ओल्ड मशीन को ही चलाते तो कैसे निकल रहा मालूम है ना, 6 लाख इंटू 20% पहले साल का, मुझे भाई एक बात बताओ इस ओल्ड मशीन की आज की बुक वैल्यू ही बता दो कम से कम, 6 लाख माइनस 20% माइनस 20% तो अभी का बुक वैल्यू है 3,84,000, इसका आपने कितना परसेंट लिया, 20%, 76,800। फिर सिक्स वन फोर फोर जीरो फोर नाइन वन फाइव टू थ्री नाइन थ्री टू टू, ठीक है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं दिखाएंगे, हम शॉर्टकट लगाएंगे, पर ये हमने रफ के लिए मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन तो निकाल ही सकते हो, और इन दोनों का क्या लिखेंगे हम फिर, डिफरेंस। न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन बताओ, कितना, 2 लाख, कैसे निकाला भाई, ऐसे नहीं निकलेगा ना यार, अब ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसा निकलता अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो। अब क्योंकि अगर हम ओल्ड मशीन को बेच देते हैं और न्यू मशीन खरीदते तो पिक्चर कुछ और हो जाएगी, और उसमें ऐसे निकलता था, सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग डब्ल्यू डी बी 3,84,000, दिख रहा है ये वाला, प्लस करते थे एडिशन कितना 10 लाख, माइनस क्या करते थे सेल कितना 3 लाख, तो बोलो कितना बचा, 10 लाख। अब इस पे लेगा 20%, 2 लाख 16,800, 1,74,440, 1,58,952, 0,0,2, कैसे निकल रहा है पता है ना, इसका निकाला, बस इतना है कि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बाकी कुछ इसमें स्पेशल नहीं है कि यार सिर्फ और सिर्फ किस शब्द की वजह से कर रहा है, ब्लॉक लिखा हुआ है बाकी और। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2,16,800 माइनस 7,680,000 कितना आ रहा है, 1,40,000। ऐसे ही सब डिफरेंस निकाल लेंगे। आईसीएआई क्या किया है सुन लो बच्चों, उसने क्या किया है, उसने ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू निकाला, न्यू मशीन का ये वैल्यू निकाला, और बोले यार हम ऐसा निकाल के ऐसा ऐसा नहीं करते, इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल लेते, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 10,84,000 माइनस 7 लाख, और बोले हम सीधा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सीधा निकाल लेते ना यार, मतलब 7 लाख का 20%, 1,40,000 माइनस 20%, 1,12,000 माइनस 20%, 89,600 माइनस 20%, 7,168,000, क्या घटाने पर भी इतना ही आएगा, स्वाभाविक बात है यार, आप कैसे भी मैथ्स ले लो, कैसे करना है जैसा इंस्टीट्यूट किया, पर उसके लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक ये वाला फिगर और एक ये वाला,
तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो करेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन आज, इसको मिटा दूं, जरूरत नहीं है ना इसकी। कितना निकाला था आपने? 300,000। ठीक है, ओल्ड मशीन का है और यहां लिखने जा रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट इफ न्यू मशीन परचेस्ड। अगर हम नया मशीन परचेस करते हैं तो ब्लॉक का वैल्यू क्या होगा? तो हम कैसे करते थे? हम कहते थे ओपनिंग डब्ल्यू डी कितना निकला था आपका? 380 प्लस परचेस या एडिशन, कितने का परचेस किया था हम लोगों ने? 10,00,000। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मालूम है, सीरियसली बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। माइनस क्या हो जाएगा? सेल, और सेल कितने का किया आपने? 300,000। तो नेट लॉक क्या आ गया आपका? 300,000। दो तरीके हैं, या तो अलग अलग डेप्रिसिएशन के माइनस कर दो, या तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का तरीका है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। कौन इस पे निकलेगा? 10,84,000 माइनस क्या करोगे? 3,84,000। कितने पे निकलने वाला है? 7,00,000। और उस 7,00,000 पे वहां हम उस टेबल में जो बना रहे थे ना इनके, उस पर कैलकुलेशन कर। ICAI भी ऐसे ही किया, तो चिंता वाली बात। तो 7,00,000 का 20% 1,40,000 माइनस 20% 1,12,000 माइनस 20 89,600 माइनस 20 7,68। ठीक है, मजा आ गया सर क्वेश्चन, टाइम भी हो गए। तो ये जो आएगा ये क्या आ गया हमारा? पीबीटी 3,10,41 1,70,000 1,98,000 2,20,400 2,38,320 टैक्स का रेट दिया है क्या? 30% ₹51,000 1,00,000 हो गया और ये 2,00,000 हो गया, तो यहां निकल जाएगा सीधा इंक्रीमेंटल EF80 1-2 2,50,000
पचास 600 43 880 2,38,000 इसको कॉपी पेस्ट करना है वहां टेबल में। वन टू थ्री फोर कितना कितना आए थे एक्टिव बता दो पहले। 909,826,751,683,289,000 250,600 214,880 238,54 फैक्टर से मल्टीप्लाई करने 2,00,000 2,00,431 206,99 ठीक है 152,162,89 ठीक है। सिंपल सी बात है वर्किंग कैपिटल लगेगा वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा। 1,00,000 इधर आ जाएगा और इधर कितना जाएगा 1,00,000 इंटू फैक्टर्स। तो यहां वर्किंग कैपिटल पहले नीचे लिख लूं क्या ऐसा, पर फिर आप जब रिवीजन करोगे तो तब दिक्कत में पड़ेगी ना यार आया कहां से। 1,00,000 तो कितना आ गया 1,00,000 × 0.683 और ऊपर 1,00,000 है वर्किंग कैपिटल तो यहाँ हो जाएगा 8,00,000। इसका टोटल मान लिया बिना वर्किंग कैपिटल के। एट फाइव सिक्स 77 - 8,00,000 56,779 चल जाएगा। एनपीवी आ गया हमारा 56,77 आज पूरा 2 घंटे की क्लास चली। अभी सुनो कहानी तो पहले वर्किंग कैपिटल कितना था ओल्ड मशीन का 1,00,000
और न्यू मशीन में कितना लग रहा? 2 लाख. तो हमने और कितना वर्किंग कैपिटल लगाया? 1 लाख और लगाया. यहाँ तो कोई दिक्कत है. और सर आपने बोला था जब बात खत्म हो जाएगी, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो जितना भी वर्किंग कैपिटल लगा है वो पूरा की पूरा रिकवर हो जाएगा. तो बच्चों का कहना कि सर यहाँ तो 2 लाख आना चाहिए. उनका कहना, आपका नहीं है, उनका ही कहना है. हाँ, अगर हमें ओल्ड ही मशीन रखता तो 1 लाख तो ऐसे भी रिकवर होता, वैसे भी रिकवर होता. ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 1 लाख. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में कि सर क्योंकि WDV मेथड है, मशीन की सेल्वेज भले ही 0 है पर बुक वैल्यू तो आती. WDV मेथड है, सेल्वेज वैल्यू 0 है पर बुक वैल्यू कुछ ना कुछ तो आता, तो उस पर टैक्स सेविंग तो होता. पर उस ब्लॉक में जमाने भर की मशीन है. हाँ, बहुत सारी मशीन है, तो कैपिटल गेन और लॉस तो हो ही नहीं सकता. तो क्यों कर? तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों का मैंने आपको जवाब दिया. सर आज के लिए कोई होमवर्क है क्या? वाह, नहीं है, सीरियसली. ठीक है, कल बात करते, कल रिप्लेसमेंट खत्म करेंगे.